एक निजी परफ्यूम की ब्रांडिंग करने के लिए अभिनेता सुनील सिट्ठी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया और शहर की स्वच्छता को लेकर जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पौधा माँ के नाम अभियान में शामिल होकर पौधारोपण भी किया। इस दौरान सुनील सिट्ठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर मुंबई से ज्यादा ग्रीन और स्वच्छ है। इस दौरान मीडिया में उन्होंने राजनीति के सवाल पूछे तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी राजनीति में उनका कोई मूड नहीं है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। मैं अपने उद्देश्य से बहुत प्यार करता हूं और बॉर्डर फिल्म बनाने के बाद यह मेरा प्रेम और ज्यादा बढ़ा, इसलिए राजनीति में जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं जनता की सेवा अपने हिसाब से करता हूं। सुनील सिट्ठी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इंदौर के हरियाली और स्वच्छता की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हरियाली का श्रेय जनता को जाता है। वहीं OTT को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि नए फिल्म कलाकार सिनेमा के बजाय OTT पर अपना करियर बनाने आ रहे हैं और आना भी चाहिए, लेकिन OTT पर भाषा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर या कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग ना हो। साथ ही उन्होंने हेरा फेरी मूवी को लेकर कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद लोगों ने मेरी कॉमेडी वाले कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है।